कि श्री राम के गुण ही इतने अनोखे हैं कि वो किसी भी व्यक्ति को आकृष्ट किए बिना नहीं रहते। इस तरह से कवियों के द्वारा बार बार भगवान श्री राम के गुणों की चर्चा की गई, गुणों का वर्णन किया गया। तब एक दूसरा प्रश्न सामने आया और वो दूसरा प्रश्न यह था कि भगवान श्री राम को लेकर के जो ग्रंथ लिखे गए, जो उनका चरित्र और उनका गुण लिखा गया, उसकी कथाओं में इतनी भिन्नता क्यों है? अगर किसी व्यक्ति का इतिहास हम लिखने बैठेंगे तो इतिहास में सभी लेखकों के द्वारा जो घटनाएं लिखी जाएंगी वे तो बिल्कुल एक रूप में ही होंगी, पर श्री राम को लेकर के जितने ग्रंथ लिखे गए उसमें कुछ न कुछ भिन्नता है। और उस समय भगवान श्री राम के संदर्भ में जितने महान ग्रंथ प्रचलित थे उनमें महर्षि वाल्मीकि की रचना, उनकी रामायण सर्वोत्कृष्ट रूप में वंदनीय थी, पूज्य थी। गोस्वामी जी ने जब श्री राम के चरित्र का वर्णन किया तो वे यह जानते थे कि वाल्मीकि रामायण की अपेक्षा, वाल्मीकि रामायण की तुलना यदि करें तो रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के कथा प्रसंगों में अनेक अंतर। ऐसी स्थिति में गोस्वामी जी से लोगों ने यह जिज्ञासा की होगी या प्रबुद्ध गोस्वामी जी इसे जानते थे कि लोगों के मन मस्तिष्क में ये संशय उत्पन्न होगा, और इसीलिए उन्होंने भूमिका की इन पंक्तियों में सुनने और पढ़ने वालों के लिए एक सूत्र दिया। उन्होंने ये कहा कि यदि श्री राम के चरित्रों में या गुणों में या कथारकों में कोई भिन्नता दिखाई दे तो उसे पढ़ करके या सुन करके आश्चर्यचकित होने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? उन्होंने ये कहा कि भगवान श्री राम एक ही बार अवतार नहीं लेते, अनगिनत बार भगवान श्री राम के अवतार होते, और उन अनगिनत बार भगवान श्री राम के अवतारों के संदर्भ में एक शब्द इस प्रसंग में इन पंक्तियों में आपको मिलेगा, प्रत्येक कल्प में भगवान का अवतार होता है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतर ही, चारु चरित नाना विधि करही। भगवान श्री राघवेंद्र प्रत्येक कल्प में अवतार लेते हैं और प्रत्येक कल्प में जो घटनाएं होती हैं, आवश्यक नहीं है कि वे घटनाएं सर्वथा एक जैसी हों, उनमें भिन्नता होती है। इसलिए अगर महर्षि वाल्मीकि के रामायण में घटनाओं का वर्णन किसी अन्य रूप में है और इस ग्रंथ में आपको भिन्न रूप में मिले तो इसे पढ़ करके आप आश्चर्य या संशय में न पढ़े। इस तरह से गोस्वामी जी ने श्रोता और पाठक को, अध्येता को पहले से ही सावधान कर दिया। पर इसके मूल में जो दर्शन और चिंतन है आप गहराई से उस पर दृष्टि डालिए, जिसका क्रम कल प्रारंभ किया गया था। गोस्वामी जी प्रारंभ में ही यह कहते हैं कि शंकर जी ने पार्वती को यह कथा सुनाई। जब भगवान शंकर पार्वती को सुनाते हैं तो वे कहते हैं कागभुसुंडी ने यह कथा गरुड़ को सुनाई। याज्ञवल्क जब कथा कहते हैं तो वे कहते हैं कि जो कथा भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाई कागभुसुंडी ने गरुड़ को सुनाया, वह कथा मैं आपको सुना रहा हूं। पश्चात गोस्वामी जी कहते हैं ये परंपरा केवल इन तीनों तक ही सीमित नहीं है, ये क्रम परंपरा आगे बढ़ती गई और क्रम परंपरा के अंत में गोस्वामी जी अपने गुरुदेव का स्मरण करते हैं।
वे कहते हैं कि ये जो कथा कथा की अनादि अविच्छिन्न परंपरा है, का उस परंपरा में मैंने इस कथा का श्रवण गुरुदेव से किया, उसका वर्णन भी आप प्रारंभ में ही पावेंगे। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसूकर खेत समझी नहीं तस बालपन, तब अति रहूं अचेत। तदपि कही गुरु बारह बारा, समझ परी कछु मति अनुसारा, भाषा बद्ध करब मैं सोई। मेरे गुरुदेव ने वही कथा मुझे सुनाई। बाल्यावस्था के कारण मैं उसे पूरी तरह से समझने में और ग्रहण करने में असमर्थ था। गुरुदेव ने मेरे ऊपर कृपा की और वही कथा उन्होंने मुझे बार बार सुनाई, और तब कुछ बातें मैं ग्रहण कर सका। और उस समय मेरे मन में आगे चलकर के संकल्प आया कि इसी कथा को मैं भाषा में परिणत करके अनुवाद के रूप में का इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। पूछा गया इस अनुवाद का उद्देश्य क्या है, तो उनका मोरे मन प्रबोध जी हुई, अपने बुद्धि और मन को संतोष देने के लिए, प्रबोध देने के लिए इस अनुवाद के कार्य में मैं संलग्न हुआ। अब इस क्रम परंपरा का वो संदर्भ कल आपके समक्ष जो रखा जा रहा था, का उसका मूल अभिप्राय ये है कि वस्तुतः तत्वतः तो राम कथा अनादि है, पर अनादि होते हुए भी वह राम कथा विविध व्यक्तियों के माध्यम से प्रकट होती है। और इस तरह से वह जब हम किसी वक्ता के माध्यम से भगवान के मंगलमयी गाथा को सुनते हैं, भगवान के चरित्र को सुनते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ये वक्ता अपनी वाणी के द्वारा सत्य का अनुभव करके करता हुआ या अपनी मौलिक प्रतिभा से कह रहा है, किंतु सत्य यही है कि वो क्रम क्रम से वो कथा एक से दूसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति, और इस तरह से क्रम परंपरा से संसार में प्रभावित होती है। और इसीलिए उन्होंने कथा की तुलना गंगा से की। पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। गंगा का उद्गम किससे होता है, अगर यह जिज्ञासा व्यक्ति के मन में उत्पन्न हो, तो गंगा के अनेक नामों में से एक नाम है भागीरथी। और भागीरथी का अभिप्राय यह है कि जिसे भागीरथ ने अवतरित किया वे भागीरथी, और तब हमारे अंतःकरण में भागीरथ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है कि उन्होंने गंगा को धरती पर ला दिया। पर अगर भागीरथ से कोई प्रश्न करे कि आपने कितना महान कार्य किया कि आप गंगा को धरती पर ले आए, तो क्या आप समझते हैं कि भागीरथ इस प्रशंसा को स्वीकार करेंगे या इसमें महिमा या कर्तृत्व का अनुभव करेंगे? भागीरथ तो विनम्रता से यही कहेंगे कि गंगा तो भगवान शंकर के मस्तक पर थी, यह तो भगवान शंकर की कृपा है कि मेरी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के उन्होंने गंगा की धारा को प्रवाहित कर दिया, इसलिए वस्तुतः वंदनीय मैं नहीं हूँ, वंदनीय तो भगवान शंकर। और यदि आप भगवान शंकर के पास पहुंच करके धन्यवाद दें कि महाराज आपने आपके मस्तक पर गंगा विराजमान है और आपके द्वारा ही ये गंगा प्रवाहित हुई, हम कृतज्ञ हैं कि आपने गंगा की धारा को संसार को गंगा की धारा को प्रवाहित करके संसार के व्यक्तियों को धन्य दिया, तो आप अच्छी तरह से ये समझ सकते हैं कि भगवान शंकर भी यही कहेंगे कि गंगा का न तो मैं निर्माता हूं, गंगा मेरे मस्तक पर अवश्य थी और लोगों ने ये देखा कि गंगा मेरे मस्तक से नीचे उतरी, पर सत्य यह है कि गंगा का प्राकट्य तो ब्रह्मा के कमंडल से हुआ। और तब आप ब्रह्मा के पास चले जाइए और ब्रह्मा से प्रश्न कीजिए
कि अगर आप न होते तो गंगा कहां से आती? गंगा का जन्म तो आपके कमंडलों से हुआ। तो अंत में ब्रह्मा क्या कहेंगे? ब्रह्मा ये कहेंगे कि भाई गंगा तो वस्तुतः भगवान के चरणों में विराजमान थी, उनका मूल तो भगवान का चरण है। मेरे पास तो कमंडलू भी न जाने कब से था, जल भी न जाने कब से था, वो तो भगवान के चरणों के संस्पर्श से ही गंगा का प्राकट्य हो। और क्रम परंपरा का तात्पर्य यही है कि आप जब गंगा के उद्गम पर विचार करेंगे तो अंत में गंगा का उद्गम ईश्वर से होगा, और वो वस्तुतः अनादि रूप में। अगर भगवान से ये प्रश्न किया जाए तो भगवान भी तो यही कहेंगे कि ये गंगा तो अनादि काल से चरणों में विद्यमान थी और इस क्रम से संसार के जीवों के समक्ष प्रकट हुई। ठीक इसी प्रकार से भगवान श्री राम की यह कथा, भगवान राम का ये चरित्र, इसका मूल उद्गम हमें जो दिखाई दे हम उसे मान ले और हम उसे धन्यवाद देते हैं। अभी कानपुर में रजत जयंती कथा की मनाई गई, वहां 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उसमें एक मुस्लिम वक्ता, वो संभवतः कलकत्ते में रहते हैं, उनका मेरे प्रति स्नेह है, गुरु भाव भी है, वे उसमें उपस्थित थे। और तब उन्होंने यही कहा कि मैं तो ये चाहता हूं कि ये रजत जयंती ही नहीं स्वर्ण जयंती हो, कथा की हीरक जयंती हो। और फिर वो उर्दू के शायर की एक पंक्ति उन्होंने पढ़ी जिसमें कहा गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये कथा कयामत तक, ऐसी मान्यता है कि सृष्टि का जो अंतिम दिन है, मुस्लिम धर्म की दृष्टि से उसका नाम कयामत है, कयामत तक यह चलती ही रहे कथा। और उसमें अंत में उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वो कयामत भी कभी न हो। और इस तरह से उन्होंने एक भाव प्रकट किया। और तब मैंने यही कहा कि आप विश्वास रखिए, राम कथा सचमुच इसी तरह चलती रहेगी, और आप निश्चिंत रहिए, जब राम कथा कहेगा तो राम किंकर ही कहेगा। तो वस्तुतः राम से जो जुड़ा होगा, राम का जो दास होगा, वही तो कहेगा। तो आप निश्चिंत हो जाइए, वस्तुतः यह कथा अनादिकाल से अनंत काल तक प्रवाहित होने वाली भगवान की गाथा, भगवान का ये चरित्र है। किंतु अब इस पर दृष्टि डालिए कि जब हम गंगा के उद्गम को इन पात्रों से जोड़ते हैं, या राम कथा की गंगा को हम जिन पात्रों से जोड़ते हैं, तो उसके पीछे हमारा तात्पर्य क्या होता है? कृपया पूरी तन्मयता से आप सुने। श्री रामचरित मानस में आया भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ गंगा के किनारे खड़े, और भगवान राम गंगा में स्नान करने से पहले अपने दोनों प्रिय श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण को कथा सुनाने लगे। और भगवान श्री राम ने वहां पर गोस्वामी जी के पंक्ति है, कही कही कोटि कथा प्रसंगा का राम, कही कही कोटि कथा प्रसंगा राम बिलो कही गंग तरंगा। भगवान श्री राघवेंद्र गंगा की लहरों को देख रहे हैं, गंगा की तरंग को देख रहे हैं, और उन तरंगों को देखते हुए भगवान श्री राम उन दोनों को गंगा की करोड़ों कथाएं सुनाते हैं। अब इस वाक्य के संदर्भ पर विचार कीजिए और उसका अभिप्राय यह कि गंगा तो एक, पर जब उसमें लहरें उठती हैं तो वस्तुतः प्रत्येक लहर के साथ गंगा का एक जल किसी न किसी रूप में, तरंग के रूप में आपके सामने आता है। और जब भगवान राम गंगा की इन तरंगों को देखते हैं तो उन्हें गंगा की कथाएं याद आ रही, और गंगा की जो कथाएं हैं भगवान श्री राम दोनों को सुना रहे हैं। और इसका तात्पर्य है कि गंगा में स्नान करने से पहले जब तक आप उनकी महिमा में स्नान नहीं कर लेंगे, जब तक आप कथा के माध्यम से गंगा के स्वरूप को नहीं समझ लेंगे, तब तक आपको
गंगा जल के सच्चे स्नान और पान के आनंद का अनुभव नहीं होगा। आप सीधे जाकर के गंगा में गोता लगा दीजिए, शरीर में शीतलता होगी, स्वच्छता भी आवेगी। किंतु अगर आप गंगा की कथाओं को सुने, तरंगों को देखें और उसके पश्चात आप गंगा में स्नान करें तो आपको एक नए प्रकार के दिव्य भावना की अनुभूति होगी। और उस अनुभूति का सूत्र संदर्भ में संक्षेप में यो कहें और रामकथा के संदर्भ में भी सूत्र वही। गोस्वामी जी राम कथा की गंगा का प्रवाह सामने लाने के पहले जिन नामों का स्मरण करते हैं उन नामों का तात्पर्य क्या, या इन गंगा के प्रादुर्भाव के साथ जो नाम जुड़े हुए हैं उनका अभिप्राय क्या? और इसका अभिप्राय ये, जब भगीरथ पर हमारी दृष्टि जाती है और हम गंगा का स्मरण भागीरथी के नाम से करते हैं, क्या वस्तुतः भगीरथ गंगा के पिता हैं क्या? वस्तुतः तो वे पिता नहीं, पर हम ये कहते हैं कि भगीरथ की पुत्री गंगा है इसलिए भागीरथी है। और इसका अभिप्राय कि आप व्यक्ति को भूल जाइए, भगीरथ के अंतःकरण की जो वृत्ति है उस पर दृष्टि डालें, और उस पर यदि आप दृष्टि डालेंगे तो आपको एक सूत्र मिलेगा कि भगीरथ के चरित्र का तत्व यही है, आप उससे परिचित हैं कि वे गंगा की धारा को पृथ्वी पर लाना चाहते हैं, पर केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, उनके जो पुरखे का कपिल मुनि के शाप से भस्म होकर के ऐसी स्थिति में पड़ गए हैं, उनके उद्धार और कल्याण के लिए वे चाहते हैं कि गंगा धरती पर आवे। और इसका अभिप्राय यह है, भगीरथ के अंतःकरण में मूलतः परोपकार की वृत्ति है, केवल अपने ही गति की चिंता उन्हें नहीं है, अपने ही स्वर्ग की चिंता उन्हें नहीं है, उन्हें अपने जो पूर्व पुरुष हैं, पुरखे हैं, उनके कल्याण की चिंता। गंगा के साथ एक सूत्र जुड़ गया, मानो परोपकार की वृत्ति से गंगा जुड़ी हुई, और वो परोपकार की वृत्ति भी इसमें एक संकेत है। आप कह सकते हैं कि यदि वे अपने पुरखों के उद्धार के लिए गंगा को लाए तभी तो इसका अर्थ है कि उनको अपने परिवार की ही चिंता थी, इसलिए हम कैसे मान लें कि गंगा के मूल में परोपकार की वृत्ति है? और इसका उत्तर यही है कि यदि भगीरथ के अंतःकरण में स्वार्थ की ऐसी वृत्ति होती तो पुरखों का उद्धार करने के बाद वो गंगा जी से कहते कि आप लौट जाइए, हम इतने परिश्रम से लाए और लोग इतने सरलता से गोता लगावे ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसी वृत्ति भी लोगों में देखी जाती है, अगर मैंने इतने परिश्रम से किसी वस्तु को पाया है तो लोगों को भी उतनी परिश्रम की अनुभूति होनी चाहिए। पर भगीरथ का अभिप्राय है परोपकार की ऐसी वृत्ति कि जिसमें वस्तुतः संसार के समस्त पतितों के उद्धार की वृत्ति है कि संसार के पापी से पापी व्यक्ति का भी कल्याण। मानो ब्रह्मा के कमंडल में जब तक गंगा थी तब तक वे पतित पावनी नहीं थी, वे बंद्या थी, पूज्या थी, दुर्लभ थी, पर पतित पावनी तो उन्हें नहीं कह सकते। और ठीक इसी प्रकार से ये राम कथा के जो विभिन्न रूप हैं इसमें क्रम है। जब हम भगीरथ के संदर्भ में विचार करते हैं तो गंगा की पतित पावनता और पतितों के उद्धार की वृत्ति का परिचय मिलता है भगीरथ और गंगा के माध्यम से, और जब उससे आगे बढ़ करके हम विचार करते हैं कि ये गंगा तो भगवान शंकर के मस्तक पर थी तो भगवान शंकर का परिचय आप जानते हैं। भगवान शंकर जो है मूर्तिमान विश्वास, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण, और इसका अभिप्राय यह है कि विश्वास का जब तक माध्यम न हो, गंगा के समक्ष ये समस्या थी कि जब वे पृथ्वी पर आवेंगे तो उन्हें धारण करने की क्षमता किसमें, और तब मृत्युलोक में भगवान शिव ने धारण किया। और इसका दूसरा सूत्र है विश्वास का सूत्र, विश्वास के माध्यम से गंगा को अपने मस्तक पर धारण किया जाता है, और बहुत बढ़िया बात है। इसका अभिप्राय यह है कि वो ब्रह्मा के कमंडल से निकली हुई
जो ज्ञानमयी धारा है वो विश्वास के माध्यम से हम धारण कर सकते हैं। अगर हमारे अंतःकरण में भगीरथ की वृत्ति है तो भी हम गंगा से परोपकार और पतित पावनता की प्रेरणा प्राप्त करेंगे। अगर भगवान शंकर पर हमारी दृष्टि है तो भगवान शंकर के माध्यम से हम विश्वास की प्रेरणा प्राप्त करेंगे कि गंगा के धारण करने के लिए विश्वास की अपेक्षा है। और जब हम ब्रह्मा के कमंडल पर दृष्टि डालेंगे तो ब्रह्मा बुद्धि के देवता है और वो बुद्धि के देवता ब्रह्मा जो है वे विचार के कमंडल में भावना के जल के द्वारा भगवान का चरण पखारते हैं। और तब ब्रह्मा के कमंडल पर जब हमारी दृष्टि जाएगी तो विचार की महिमा का अनुभव होगा और उसके पश्चात जब विचार करेंगे तो सबकी अंतिम परिणति जो है वो भगवान के चरणों में जाकर के समाप्त होगी। और इसी क्रम से भगवान राम की कथा की गंगा पर भी आप दृष्टि डालें, विचार करें, और तब ये जितने नाम लिए गए, भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाया, कागभूषुंड ने गरुड़ को सुनाया, याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को सुनाया, गोस्वामी जी ने अपने गुरुजी से सुना, गोस्वामी जी ने हम लोगों को सुनाया, ये इतनी बड़ी तालिका गिनाने की आवश्यकता ही क्यों थी। और इसके मूल में तात्पर्य था कि ये जो वक्ता है राम कथा के और जो क्रम परंपरा है, इन पात्रों पर आप दृष्टि डालिए और दृष्टि डालने के पश्चात इन पात्रों के अंतःकरण में, इन वक्ताओं के अंतःकरण में कौन सी वृत्ति है और किस तरह से भगवान का चरित्र लोक कल्याण के लिए अवतरित होता है का ये महानतम संकेत इस मानस की क्रम परंपरा में भी, मानस गंगा के प्राकट्य के संदर्भ में भी वही सूत्र आपको मिले। और उसमें प्रारंभ कीजिए भगवान शंकर से। गोस्वामी जी ने इसमें पहली पंक्ति यही लिखी है कि भगवान शंकर ने पार्वती को यह सुनाया, और उसके पहले भी एक वाक्य कहा जा चुका है का जैसे ये आजकल बड़ा शोध का प्रिय विषय रहता है, जब किसी भी ग्रंथ के विषय में विचार करते हैं तो इस पर खोज करने की परंपरा है कि किस काल में और किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई। अब यही संदर्भ यहां पर भी प्रश्न है कि भाई ये रामचरित मानस जो है इसकी रचना किस काल में की गई। तो आपने एक प्रसिद्ध पंक्ति पढ़ी होगी, सुनी होगी, और उस प्रसिद्ध पंक्ति में गोस्वामी जी ने 1631 का नाम लिखा, संबत 1631 करो था हरिपद धरि सीसा। और तब कई लोग ये मानते हैं कि रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ 1631 से हुआ, पर क्या ये वस्तुतः सत्य है क्या? आप दो शब्दों पर ध्यान दीजिए, एक तो गोस्वामी जी ने प्रारंभ में 1631 तो लिख दिया, और तब ये आशा की जा सकती थी कि जब वो रामायण की रचना का अंतिम भाग लिखेंगे तो ये भी लिख देंगे कि ये कब समाप्त हुई। आप ग्रंथों में आलोचना के पाएंगे, कोई कहता है कि 2 वर्ष में, कोई कहता है 2 वर्ष 9 महीने में, और अभी तो कुछ समय पहले समाचार पत्र में एक महात्मा का उद्धरण देकर के कहा गया था 5 घंटे में, बड़ा चमत्कारिक रूप में उसका हिंदुस्तान में वर्णन आया था। पर आप विचार कीजिए, गोस्वामी जी ने 1631 का नाम लिखा पर अंत में क्या अंतिम तिथि लिखना भूल गए क्या? पर उसका अभिप्राय यह था कि वस्तुतः रामचरितमानस जो है वो 1631 में लिखा नहीं गया। गोस्वामी जी के शब्दों पर, दो शब्द पर ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा कि संबत 1631 करो पठा, 1631 में कहा रामनवमी के दिन मैं श्री राम की यह कथा कह रहा हूं। और एक शब्द जुड़ा हुआ है कि अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, इस तिथि को भगवान श्री राम का चरित्र प्रकाशित हुआ। और सांकेतिक अर्थ यह है कि वस्तुतः यह लेखन की तिथि नहीं, केवल उनका तात्पर्य यह था कि इस तिथि को सबसे पहले श्री अवध में यह कथा उनके माध्यम से लोगों के समक्ष आई, मेरे माध्यम से प्रकाशित हुई,
या मैंने कथा कही? आप इस समय आपके सामने एक वक्ता के रूप में मैं दिखाई दे रहा हूं और आप कथा सुन रहे हैं, पर वस्तुतः कथा जब कही गई और जब सुनी गई तो उसके पहले इस कथा क्रम की तो परंपरा होगी। मानो गोस्वामी जी ने कथा के केवल प्रकाश की, कथा के वर्णन की तिथि लिखी, लेखन की नहीं। और जब कल्पना कीजिए अंत में उन्होंने लिखा ही नहीं, तो आजकल तो लोग खोज करके बता दे रहे हैं, पर गोस्वामी जी से अगर कोई पूछता कि आपने समापन की तिथि भी तो लिख दिया होता, तो गोस्वामी जी यही कहते कि राम कथा कहीं भले ही जाए किसी व्यक्ति के द्वारा, पर वो समाप्त तो कभी होती ही नहीं, तो मैं समापन की क्या तिथि लिखूं। इसलिए राम कथा निरंतर चलती ही रही है और चलती ही रहेगी। और उस संदर्भ में भी गोस्वामी जी ने फिर ये जोड़ दिया कि मेरे माध्यम से भी जो यह कथा कही गई उसके रचयिता तो भगवान शंकर। और बड़ी गुत्थी, इसका अर्थ है कि अगर एक क्षण के लिए हम गोस्वामी जी को स्वीकार कर रहे, तो गोस्वामी जी तो कह रहे हैं मेरे द्वारा लिखा ही नहीं गया, शंकर जी इसके वक्ता है। और तब पूछा गया कि शंकर जी ने किस तिथि को लिखा, वही बता दीजिए किस युग में लिखा। तो बड़ी अद्भुत पंक्ति रामायण में मिली, क्या? रच महेश निज मानस रथ, कोई तिथि नहीं। और रचना भी जो की गई वो कागज पर नहीं की गई, लेखनी के द्वारा नहीं की गई, कहीं उसको किसी शिष्य ने लिखा नहीं। सबसे पहले भगवान राम के इस चरित्र की रचना भगवान शंकर ने हृदय में किया। ऐसे स्थिति में यदि आप सचमुच समय की खोज में व्यर्थ समय गंवाते हैं, तो आप वस्तुतः रामायण का जो अमूल उद्देश्य है उसे भटक जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि भगवान, आप किसी संग्रहालय में जाइए तो वहां भले ही पता लगाइए कि ये मूर्ति किस राजा के काल में बनी, किस मूर्तिकार ने बनाई, और उसकी कला का आनंद लीजिए। पर मंदिर में जब दर्शन करने जाइए तो बिल्कुल ये न पूछिए कि ये मूर्ति कितने दाम में आई हुई है, कहां से आई हुई है, इसका बनाने वाला कौन है, तब तो आपने सारा आनंद ही खो दिया। आप दर्शन कर रहे हैं भगवान का और खोज रहे हैं भगवान के बनाने वाले को, और कितने रुपए में वो मूर्ति आई, उसका अर्थ है कि आपने भक्ति भावना की दृष्टि से आंखों से नहीं देखा, आप तो केवल फूल प्रस्तर शिला को देखने गए, उसकी कला को देखा, उस चैतन्य पर आपका अगर दृष्टि जाती तो इन उलझनों में आप न फंसते। और इसलिए आप इस व्यर्थ के प्रयास में क्यों संलग्न होते हैं कि भगवान शंकर ने किस युग में या किस तिथि में या किस संवत में यह कथा लिखी, और लिखने के क्रम की ओर जो संकेत किया गया वो संकेत सर्वश्रेष्ठ है। और उसका अभिप्राय है कि भगवान श्री राम की कथा सबसे पहले अगर कहीं उसका अनुभव होना चाहिए तो उसका प्रादुर्भाव जो होना चाहिए वो हृदय से ही होना चाहिए, हृदय। और वो हृदय भी किसका? भगवान शंकर का। और उसका तात्विक तात्पर्य ये है कि अगर आप भगवत कथा सुनने बैठे तो आपका अंतःकरण, आपका हृदय यदि विश्वास से ओतप्रोत नहीं, अगर आप भगवान शंकर को हृदय में धारण नहीं कर लेंगे, तो आप भगवान शंकर की कथा को सही अर्थों में ग्रहण करने में, और सामने वाला वक्ता अगर वह कथा कहता है तो सक्षम नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि रामायण के आदि में भगवान शंकर का स्मरण। और आप इस क्रम से भी भली भांति परिचित होंगे कि जब महर्षि भरद्वाज ने याज्ञवल्क्य से कथा के विषय में पूछा, तो उन्होंने पहले भगवान शंकर की कथा सुनाना प्रारंभ किया, और कितने विस्तार से सुना डाला। आजकल का कोई बुद्धिमान श्रोता होता तो शायद सिर पीट लेता, वक्ता कहां से कहां भाग गया। पूछा गया राम की कथा सुनाइए, चले गए शंकर की कथा सुनाने। ऐसे श्रोताओं से भी मेरा परिचय होता है जो बेचारे बड़े चिंतित हो जाते हैं कि बात कहां से कहां है, पर बड़ी मीठी बात आई। याज्ञवल्क्य जब सुनाने लगे तो भरद्वाज के मन में एक क्षण के लिए भी बात नहीं आई
कि ये सुना क्या रहे, और वो बड़े विस्तार से शंकर जी की कथा सुनते रहे। सुन करके आंखों में आंसू आ गए, गदगद हो गए, और तब याज्ञवल्क्य ने कहा, भरद्वाज तुमने राम की कथा पूछी और मैंने भगवान शंकर की कथा सुनाई, वस्तुतः इसका इसके पीछे एक कारण था, और वो सूत्र आपको रामायण में मिलेगा। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, और सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैं कथा कहने के पहले जानना चाहता था कि ये श्रोता सुनने योग्य भी है कि नहीं, और इसीलिए मैं यही कसौटी मानता हूं कि जिसको शिव में प्रेम नहीं है, शिव में भक्ति नहीं है, वह राम कथा का अधिकारी नहीं है। अब मैं तुम्हें राम का चरित्र सुनाता हूं। और ये कितना बढ़िया सूत्र है कि पहले यह तो समझ लिया जाए, और दोनों के संदर्भ में कहने वाले में विश्वास है कि नहीं। अगर कहने वाले के अंतःकरण में विश्वास नहीं है, भगवान राम का चरित्र सुनाया जा रहा है, भगवान राम का प्राकट्य हुआ पौराणिक भाषा में त्रेता युग में, अब एक वक्ता जब बोलने बैठा तो बोलते समय वह केवल पंक्तियों को दोहरा रहा है कि सचमुच उसके मन में दृढ़ विश्वास है कि सचमुच भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। और इसका उत्तर ये कि अगर केवल वो दोहरा रहा है किसी ग्रंथ से पढ़ करके, तो उसकी वाणी में सच्चा बल हो ही नहीं सकता है। वो तो केवल एक पंक्तियों को दोहरा देगा, वो दोहराने का भी एक आनंद है, सुनने का भी यूं कुछ न कुछ लाभ है, पर जब कोई अनुभव की वाणी में बोलता है, विश्वास की वाणी में बोलता है, तो उसकी वाणी में सचमुच जो रस या जो अनुभूति होती है उससे बढ़कर के कोई वस्तु नहीं हो सकती। कबीर का वो वाक्य तो आपने सुना ही होगा, कबीर से जब किसी ने पूछ दिया कि आप तो पढ़े लिखे नहीं, किसी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, पर आपकी ये अटपटी वाणी को लोग इतने ध्यान से क्यों सुनते हैं, आपके पद इनको इतनी सरलता से याद क्यों हो जाते हैं। और तब उन्होंने, वे तो थोड़ा व्यंग कला के निपुण हैं, उन्होंने तुरंत कह दिया कि आप में और मुझ में एक ही अंतर है, आप पढ़े लिखे हैं और मैं पढ़ा लिखा नहीं, पर अंतर इतना है कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आखिन की देखी। तुम वो कहते हो जो तुमने पुस्तकों में पढ़ा है, कागज में लिखा हुआ था, और मैं वो कहता हूं जिसे मैंने देखा है, अनुभव किया है। और ये सबसे पहला सूत्र है कि सचमुच रामायण में भी इस बात पर बल दिया गया। कागवसुंड जी जब कथा सुनाते हैं तो एक वाक्य जोड़ देते हैं, और वो वाक्य बड़ा सार्थक है। क्या बोले, यह सब मैं निज नयनन देखी, एक शब्द तो देखी, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा। विचित्र शब्द है, केवल इतना ही लिख देते कि नयननी देखी, ये नयननी देखी के साथ निज नयननी देखी, अपनी आंखों से देखा, इस शब्द को बढ़ाने की क्या आवश्यकता है। पर अगर आप भाव और रस से परिचित हैं तो इसका तात्पर्य बड़ा अनोखा है। इस संदर्भ में स्मरण आता है मुझे जनकपुर का वह प्रसंग, जब भगवान श्री राम के द्वारा धनुर्भंग हुआ, और उसके पश्चात दूत जनकपुर से पत्र लेकर के अयोध्या गए। महाराज जनक ने भी बड़ी विनम्र भाषा में पत्र लिख करके महाराज दशरथ को निमंत्रण दिया। भगवान श्री राम ने भी बड़े प्रेम से पिताजी को अपने अपनी पद्धति में समाचार दिए, और ये दोनों पत्र लेकर के जनकपुर के दूत अयोध्या में पहुंच गए। महाराज श्री दशरथ ने उन्हें बुला लिया, और पहला कार्य क्या किया, बोले तब नृप दूत निकट बैठा ले। भगवान श्री राम के पत्र को लेकर, महाराज जनक के पत्र को लेकर, परंपरा तो यह है राजा सिंहासन पर बैठता है और दूत जो है वो सामने खड़ा होता, पर महाराज श्री दशरथ ने सारी परंपराओं से हट करके उस दूत को अपने पास बैठा लिया। और इसका संकेत यह था कि जब पत्र के माध्यम से तुम हमें राम के समीप पहुंचा रहे हो, तो हम अपने समीप तुम्हें न बैठावें, तो इससे बढ़कर के अशिष्टता और भाव के विरुद्ध क्या होगा।
वस्तुतः सत्य तो यह है कि तुम मेरी अपेक्षा अधिक भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम उनके समीप से आए हुए हो, और तुम उनके समीप से आए हुए हो और आज व्यवहार की दृष्टि से मैं दूर हूं, तो तुम्हें समीप बैठा करके हमको उनके सामीप्य की ही याद आती है। पहला कार्य तो महाराष्ट्र दशरथ ने ये किया। वही सूत्र, पूज्य कौन है, परंपरा क्या है, बोले पूजनीय प्रिय परम जहाते सब मानिए है राम के नाते। दूत सभा की मर्यादा नहीं, राम के नाते से पास में बैठा लिया और फिर बोलना प्रारंभ किया और कहने लगे मधुर मनोहर वचन उचारे। और अगला शब्द संबोधित किया भैया। ये संबोधन भी राजा के लिए किसी दूत के लिए सर्वथा का प्रचलित हो ही नहीं सकता, मान्य नहीं हो सकता, पर उन्होंने भैया शब्द कहा। इसमें भी स्नेह की पराकाष्ठा थी और उसका अभिप्राय भी यही था कि मैं ही उनका पिता नहीं हूं। विश्वामित्र के मन में भी वात्सल्य है, तुम भी उसी भाव से तो प्रोत हो, इसलिए हमारा और तुम्हारा नाम तो भाई और भाई कहलाता। और उसके बाद शब्द आगे बढ़ता गया और शब्द एक से एक अनोखे। क्या पहला प्रश्न तो यही कह दिया, भैया कहो कुशल दो बारे, मेरे दोनों पुत्र कुशल से तो है। अब दूत आनंद ले रहे हैं और हंस रहे हैं मन ही मन, बड़ा अद्भुत प्रश्न है। दो दृष्टियों से पत्र जनक जी का भी पढ़ चुके, श्री राम का भी पत्र पढ़ चुके और अब भी पूछ रहे हैं कि कुशल से है कि नहीं। क्या पत्रों में पढ़ करके क्या ये समाचार नहीं मिला कि वे कैसे, पर वे पूछ रहे हैं कुशल से तो है। और दूसरी दृष्टि से जब दूत विचार करते हैं कि आज तक जीव के विषय में तो कुशल प्रश्न पूछा गया, पर ईश्वर के कुशल का प्रश्न किया जा रहा है। अद्भुत हमारे महाराज का वात्सल्य भरा हृदय है। का उस समय महाराज श्री दशरथ का क्या हाथों में पत्र नहीं था, क्या उसमें सारे समाचार नहीं लिखे हुए थे, पर वही प्रीत की रीत जिसका संकेत सर्वत्र मिलेगा। और वो सर्वत्र ये श्री भरत भगवान राम का संदेश लेकर के गए, संदेश सुना दिया। जासु विरह सोतो दिन राति, रटहु निरंतर गुणगन पाती, रहु कुल तिलक सुजन सुखदाता, आवत कुशल देव मुनि त्राता, रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। श्री हनुमान जी गदगद हुए, भरत जी सुन करके विवल हो गए, उठ करके हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और हनुमान जी से ये कहा कि हम आपके ऋणी। पर आगे की बात बड़ी भावुकता भरी थी। जब कोई अपने को ऋणी कहता है तो ऋण उतारने की चिंता होती है, पर भरत जी ने कहा कि महाराज आपने ऋणी तो बना लिया, पर ऋण चुकाने की ऋण देने वाले ध्यान रखते हैं कि सामने वाले जितना ऋण चुका सके उतने ऋण दिया जाए, पर आपने तो इतना ऋण दे दिया कि मैं तो चुका पाऊंगा नहीं, तो आप ऋणी कह क्यों रहे हैं। तो तुरंत श्री भरत जी ने कहा कि जब आप इतना ऋण दे ही चुके और मैं चुका ही नहीं पाऊंगा तो थोड़ा और सही। इसलिए वो पहला वक्त उन्होंने कहा नाही तात उर्ण मैं तो ही, क्या चाहते हैं, बोले अब प्रभु चरित्र सुनावहु मोहि, अभी का चरित्र नहीं सुनाया था क्या, पूरा तो लंका के युद्ध का सूत्रात्मक परिचय दे चुके, पर कहते हैं जरा प्रभु का चरित्र तो सुना दीजिए। हनुमान जी ने फिर सुनाया, अब जिज्ञासा समाप्त तो हो गई ना, कह लगे आपने कथा तो बड़ी मधुर सुनाई, पर अभी मेरे मन में एक प्रश्न और बाकी है। क्या बाकी है, बोले ये बताइए कि निज दास जो रघुवंश भूषण कबहु मम सुमिरन करो। कभी किसी दिन भगवान राम ने मेरा स्मरण किया, और एक शब्द और जोड़ दिया, भाई के रूप में नहीं निज दास जो, अपने निज सेवक के रूप में क्या कभी उनके मुंह से ये निकला कि भरत मेरा निज दास है। क्या उद्देश्य था, मानो फिर से सुनना चाहते थे, फिर सुनावेंगे किस समय किस रूप में भगवान राम ने मेरा दास के रूप में स्मरण किया। और श्री हनुमान जी इस श्रोता की इस जिज्ञासा को देख करके का अद्भुत बात है, श्रोता तो वक्ता के चरणों में प्रणाम करता है, पर वक्ता ने श्रोता के चरणों को प्रकट पकड़ लिया
और पकड़ करके यही कहा। अब एक दो दिन की बात हो तो मैं सुनाऊं, कोई दिन इतने समय में हुआ ही नहीं कि जब आपका स्मरण उन्होंने न किया, तो उन्होंने यही कहा, रघुवीर निज मुख जासु गुणगन कहा तो अग जगनाथ जो। फिर भी कुछ तो सुना दीजिए। हनुमान जी ने फिर कुछ घटनाएं सुना दिया। अब संकेत था प्रभु आने वाले हैं, शीघ्रता से स्वागत की तैयारी हो गई, राज्याभिषेक हो गया, भगवान राम सिंह विराजमान है, पर दिखाई दे रहा है कि श्री भरत और शत्रुघ्न नहीं। पता लगाया गया कहां चले गए और तब लिखा हुआ, भरत शत्रुघ्न दूनऊ भाई और सहित तो पवन सुत उपवन जाए। हनुमान जी को भी ले गए, हनुमान जी भी नहीं दिखा रहे, और एक वृक्ष के नीचे हनुमान जी को बैठा दिया। और हनुमान जी से क्या कर रहे हैं, बोले भरत शत्रुघ्न दूनऊ भाई सहित तो पवन सुत उपवन जाई, बूझे बैठी राम गुण गा। भगवान के गुणों की चर्चा कथा सुनाई और कह हनुमान सुमति अवगाह। हनुमान जी बड़े प्रेम से सुनाते हैं। पर सोचिए आप, अभी कथा समाप्त जब होगी, अगर आप मुझसे कहने लगे कि एक बार फिर दोहरा दीजिए, यद्यपि आप ऐसा कहेंगे नहीं, ये मुझे पता है, इतना धैर्य आप में शायद न हो, पर वो आपकी ही बात नहीं है, मेरे लिए भी शरीर की सीमाओं में शायद मैं यही कहूंगा कि भाई अब कैसे सुनाऊं, मेरा शरीर श्रमित हो गया है। तो ऐसी स्थिति में वक्ता और श्रोता की एक सीमा है, किंतु वहां कथा समाप्त हुई और तब श्री भरत जी ने हनुमान जी से कहा, वो प्रसंग आपने सुनाया, जरा फिर से एक बार सुना दीजिए। वो स्वामी जी यही शब्द लिख रहे हैं, वो जो सुना तो विमल गुण अति सुख पावे, वो राम अनंत अनंत गुण का रस क्या है, वही वक्ता वही श्रोता सुनाया और सुनने के बाद बड़ा सुख मिला। पर एक बार नहीं, बहुरी दूसरी बार सुना दिया, बोले नहीं कुछ धारणा नहीं हुआ, फिर से एक बार, और इस तरह से बहुरी करी विनय सुनावहे, सुना इस तरह से बार बार प्रार्थना करते हैं, भरत जी सुनते हैं, हनुमान जी सुनाते हैं, मानो भगवान के अनादि अनंत गुण जो है, ऐसा वक्ता और ऐसा श्रोता जिसको भगवान के गुणों का सच्चा परिचय है, और उसको सुनने की यह जिज्ञासा वृत्ति कि वो सुन करके भी तृप्ति का अनुभव का नहीं कर रहा है। आप कल्पना कीजिए, भरत जी के हाथ में घड़ी होती तो कई श्रोता तो बार बार घड़ी को देख भी लेते हैं कि अब और कितने देर चलेगी ये कथा। पर वस्तुतः कालातीत, जब कालातीत प्रभु की कथा प्रारंभ हुई तो मानो काल की गति भूल गई और काल की गति अवरुद्ध हो गई, यही रस की पराकाष्ठा। वस्तुतः पत्र पढ़ लिया महाराज दशरथ ने, पर प्रेमी का हृदय जो है उसे ये लगता है कि नहीं, फिर पत्र पढ़ लिया तो क्या, जरा सुने। पर सुनने के समय प्रश्न भी कितना अनोखा, पहले पूछ दिया, भैया कहो कुशल दो बारे, दोनों पुत्र कुशल पूर्वक है। मुस्कुरा करके दूतों ने हाथ जोड़ दिया, तो कहा कि अच्छा ये बताओ कि ये पत्र जो है तुम्हें कहां से मिल गया। लीजिए, ये भी एक जिज्ञासा, का ये पत्र किसी महाराज जनक ने या किसी ने दे दिया देने के लिए। अगला प्रश्न क्या, तुम ये बताओ कि ये पत्र स्वयं राम ने तुम्हें दिया है कि किसी और ने दिया। दूत कह सकते हैं कि हाँ उन्होंने दिया, तो अब भी संतोष नहीं, बोले अच्छा अगर ये पत्र दिया है तो मेरा दूसरा प्रश्न है, तुम नीचे निज नयन निहारे, तुमने अच्छी तरह से अपनी आंखों से देखा है क्या। क्या अनोखा प्रश्न है, दूत आ रहे हैं तो अपनी आंख से तो देख के आए होंगे, पर वो शब्द जोड़ देते हैं निज नयन, अपनी आंखों से, फिर जोड़ देते हैं अच्छी तरह से देखा कि नहीं देखा। क्या व्याख्या की जाए, हम सब दोनों सीमाओं से घिरे हुए हैं, पर उसका अभिप्राय यही था कि सच्चे अर्थों में किसे देखना कहते हैं, किसे अपनी आंखों से देखना कहते हैं, और अपनी आंखों में भी फली प्रकार से देखना, ये सचमुच भावना के विभिन्न स्तर है। और इस संदर्भ में महाराज श्री
दशरथ के प्रश्न को सुनकर के दूत मौन रह गए। दूत कह सकते हैं कि महाराज ऐसा ही है। बोले ना, हम इतने से संतुष्ट थोड़ी हो जाएंगे। तब बोले पहचान हूं तुम कहो स्वभाव, देख ही है कि पहचान भी हुई, और अगर कह दोगे कि पहचान भी हुई तो मुझे संतोष नहीं होगा। तुम कहो स्वभाव, उनका स्वभाव बताओ, तब हम मानेंगे कि तुम्हारा परिचय हुआ सचमुच। अगर आप इसका रस का आनंद लेना चाहें उसकी तो सीमा ही नहीं। उसका अभिप्राय यह है, देखना और बात, और अपनी आंखों से देखना और बात, अपनी आंखों से भी भली प्रकार देखना और बात, और भली प्रकार देने के देखने के बाद भी पहचान हो जाना और बड़ी बात, और पहचान हो जाने के बाद भी स्वभाव का जब परिचय हो जाए तो मानो इसका अभिप्राय है भक्त की साधना का क्रम यही। कबस्य मानो जब आप किसी दूसरे वक्ता से सुनते हैं तो उस समय भी तो आप सुन रहे हैं और आपके सामने एक चित्र होगा, पर उस समय जो आप देखते हैं वो वक्ता की आंख से देख रहे हैं, अपनी आंख से नहीं देख रहे हैं। अपनी आंख से देखने का अभिप्राय यह है सामने वाले व्यक्ति ने अपनी आंख से देखा, और उसकी सार्थकता यह है कि जिसे आपने सामने वाले की आंख से देखा उसको अब अपनी आंखों से देखे। यही संकेत सूत्र आपको मिलेगा पुष्पवाटिका प्रसंग में, सखी ने श्री राम को देखा और आकर के श्री राम की सुंदरता का वर्णन किया, और तब श्री सीता जी सखियों के साथ श्री राम को देखने के लिए चल पड़े। बोले सखे, तुम्हारी आंखों को देख करके तो लगता है कि तुमने श्री राम को देखा है, लेकिन जब तक हम अपनी आंखों से न देख लें तब तक संतोष और तृप्ति का कैसे अनुभव। और उस प्रसंग में आप साधना का क्रम पढ़िए, कैसे जिसे उन्होंने सखी की आंख से देखा, फिर अपनी आंख से देखा, अपनी आंख से देखने के बाद फिर भगवान श्री राम को उन्होंने भली प्रकार से देखा, भली प्रकार से देखने के पश्चात कैसे पहचान का क्रम, स्वभाव का और परिणय का क्रम, वहां पर भी भक्ति साधना का यही क्रम जो है आपको मिलेगा। और यहाँ पर भी मानो एक प्रश्न था, और ये प्रश्न बड़े महत्व का था। दूत अब भी प्रश्न का ही आनंद ले रहे हैं, कभी कभी उत्तर का आनंद तो होता ही है, पर प्रश्न का भी एक अपना आनंद होता है। और सचमुच प्रश्न में इतने विह्वल हुए कि उनको लगने लगा कि इन्हें हम सुनावे कि इनसे हम सुने। इस प्रकार की विह्वलता, इस प्रकार से श्री राम के विषय में सुनने की ऐसी आकांक्षा, पर महाराज श्री दशरथ से अब भी नहीं रहा गया। बोले अच्छा, लगता है आप उन्हें देखा ही होगा, परिचय भी हुआ होगा, पर कहो विदेह कवन विधि जाने। फिर महाराज विदेह ने कैसे जान लिया, वो तो देह से ऊपर उठे हुए हैं। बस अब दूत अपनी हंसी नहीं रोक पाए और सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने, और सुनो महीपति मुकुटमणि तुम सम धन्य न को राम लखन जिनके तने विश्व विभूषण दो। और पूछा कैसे जाना विदेह ने, तो दूतों ने हंस करके देखा। बोले महाराज हमारी तो धारणा यही है और अब भी यही विश्वास है कि उनको तो विदेह ही जान सकते हैं, बेचारे देह वाले क्या जानेंगे, इसलिए विदेह ने जाना तो ये तो बड़ा स्वाभाविक है। और उसका अभिप्राय यह है संसार का सौंदर्य हमें देह में उतारता है और राम का सौंदर्य हमें देह से ऊपर उठाता है। भय विदेह विषय। और जब पूछ दिया कैसे जाना, तो दूतों ने दृष्टांत दिया, महाराज रात के अंधेरे में कोई वस्तु दीपक के प्रकाश में देखी जाती है, पर क्या ये बताइए कि जब सूर्य निकल आता है तो कोई व्यक्ति अपने परिवार के किसी सदस्य से कहता है क्या कि जरा दीपक जला के देखाओ सूर्य निकल आया कि नहीं निकल आया। तो महाराज ये पूछन जोग न तनय थारे पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे और तिन कह कही ना चीने तो देखिए रवि कि दीप कर लीने। महाराज दशरथ को संतोष नहीं, बोले हमारे पुत्र को तो तुम टाले ही गए, तुम नीचे निज नयन निहारे, ये तो जलक वाला उत्तर विदेह का उत्तर दिया। और तब दूतों ने जो उत्तर दिया उसकी गहराई में आप जितना बैठ सकिए।
दूतों से महाराज श्री दशरथ ने पूछा, अपनी आंख से देखा कि नहीं, भली प्रकार से देखा कि नहीं? और तब दूतों ने कहा, महाराज आपके पुत्रों को तो ऐसा देखा कि अब क्या हो गया? बोले, जब से उनको देखा तब से दिखाई देने ही बंद हो गया। देव देखे तो बालक दो और अब न आंख तरफ आवत को। और सचमुच भगवान को देखने की, भली प्रकार की देखने की कसौटी यह है कि भगवान को देखने के बाद जब दिखाई देना बंद हो जाए, जब तक भगवान का रूप दिखाई देने के बाद भी और दिखाई दे रहा है तो सचमुच अपनी आंखों से नहीं देखा होगा, भली प्रकार से नहीं देखा होगा। मानो इस रस का, इसका अभिप्राय यही है, मानो सूत्र उसका का जो कहने वाला व्यक्ति है, पहले आप वक्ता जब निज आंखों से अपने अनुभव से जो वो कह रहा है उसे वो देख रहा। शंकर जी जन्मोत्सव की कथा सुनाते हैं, कहते हैं, मैंने स्वयं जन्मोत्सव में गया, परमानंद प्रेम सुख फूले, विधिन फिरे मगन मन भूले। मैं भी जा करके जन्मोत्सव में राजमार्ग पर घूमता हुआ राम के जन्म का उत्सव अपनी आंखों से देखा। भूसुंडी जी ने कहा, मैं भी शंकर जी के साथ गया। किसी ने तुलसीदास जी से कहा, आप ही पिछड़ गए, उन लोगों का जन्म तो हुआ त्रेता युग में, राम का अवतार भी हुआ त्रेता युग में, और आप तो आए कलयुग में, तो आप तो शंकर की आंख से ही तो देख सकते हैं, अपनी आंख से तो नहीं। पर भक्त रस का आनंद तो इसी में है, दूसरे की आंख से भी देखिए, प्रारंभ तो वहीं से होगा, पर देखने के बाद तुलसीदास जी ने जो मीठी बात कही, उन्होंने गीतावली रामायण में कई कविताएं लिखी और ये कहा कि जब श्री राम का जन्म हुआ तो ये गीत गाया गया। किसी ने पूछ दिया, आपको कैसे पता? और तब उनका उत्तर कितना बढ़िया है, बोले तह तुलसी हूं मिली गायो, उन गाने वालियों में मैं भी। अब आप तर्क वितर्क करते रहिए कि 400-500 वर्ष पहले तुलसीदास और लाखों वर्ष पहले भगवान राम, पर अगर आप काल की दूरी को मिटा करके भगवान को नहीं देख पाएंगे तो वस्तुतः आप रस से वंचित रहेंगे। मानो गोस्वामी जी ने कहा, शंकर जी सड़कों पर आनंद ले रहे थे और मैं भीतर गाने वालियों में गा करके आनंद ले रहा था। यही अनुभव की एक दिव्य अनुभूति है। और इसका अर्थ ये है, शंकर इसके आदि इसलिए है कि विश्वास बोल रहा जिसने अनुभव किया, और सुनने वाले के अंतःकरण में सुनने वाली पार्वती, और पार्वती का अभिप्राय ये है, पार्वती जी ने पूछ दिया, महाराज ये कथा आपने कब से है? बोले, बहुत पहले से। बोले, तो आपने पहले क्यों नहीं सुनाया? तो मुस्कुरा करके कहने लगे, अगरो एक कहो निज चोरी, सुनो गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। पार्वती तुम्हारी बुद्धि बड़ी दृढ़ है। उसका अर्थ यह है कि सती जी भी थी पत्नी के रूप में, कथा भी थी, शंकर जी भी थे, पर शंकर जी ने सती जी को कभी नहीं सुनाया। समझ गए कि यहाँ शास्त्रार्थ प्रारंभ हो जाएगा, सारा आनंद चला जाएगा, कथा सुनाना ठीक नहीं। इसीलिए पार्वती जी ने भी विनोद की भाषा में यही कहा, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। शैल कुमारी कथा सुनना चाहती। मानो मीठा विनोद था, दक्ष कुमारी को तो आपने नहीं सुनाया, अब तो शैल कुमारी को सुना दीजिए। और तब मानो इसका सांकेतिक अभिप्राय यह है कि जब वो दक्ष कुमारी शैल कुमारी बनती है और बुद्धिमत्ता में श्रद्धा तत्व का उदय होता है, और तब बुद्धिमत्ता से श्रद्धा तत्व का उदय होने के पश्चात राम कथा विश्वास के द्वारा कही गई, श्रद्धा के द्वारा सुनी गई, वो वस्तुतः राम कथा तो न जाने कब से अनादिकाल से विद्यमान था। और इस क्रम से यह कथा कैसे, किस क्रम से उतरती आती है, और हम गोस्वामी जी के ऋणी क्यों है, उन्होंने ऐसा क्या अंतर ला दिया, वस्तुतः इसमें क्रम है। शंकर जी से पार्वती जी ने जो सुनाया सुना उसे आप सुनिए, कागभूषण जी ने जो गरुड़ को सुनाया उसे भी सुनिए, याज्ञवल्क्य ने का जैसे सुनाया भरद्वाज को भी सुनिए, और गोस्वामी जी ने जैसे सुनाया उसे भी सुनिए, और ये आप सामने एक जो वक्ता दिखाई दे रहा है उससे भी सुनिए, और सुनने के बाद उसे देखने का स्वयं अपनी आंखों से अपने कानों से प्रयत्न करिए। आज भी फिर समय का अतिक्रमण हुआ।
बात यह है कि नदी में स्नान करने की इच्छा लेकर के जाते हैं और बहुत बुद्धिमान लोग तो लोटे से ही नहा लेते हैं कि जिससे ज्यादा गहराई में डूबने का डर न रहे। पर मैंने सोचा कि आपने बुद्धि के लोटे से तो अधिक नहाया, जरा भीतर भी चलिए, जरा और डूब जाइए, समय का भान भूल जाइए, फिर हम आगे चल करके कल इसे प्रारंभ करेंगे। बोलिए।